नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट चिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम आर्सेनिकम के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जैसे कि हमारा अगला वीडियो अपने मास्क से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम आर्सेनिकम आर्सेनेट ऑफ सोडियम के सिम्टम। नेट्रम आर्सेनिकम औषधि का इस्तेमाल नज़ला यानी पुराने जुकाम को दूर करने के लिए किया जाता है। रोगी को नज़ले के साथ सिर में तथा नाक की जड़ में दर्द होना, आंखों का खुश्क होने के साथ दर्द होना में औषधि लाभ करती है। 7 साल की उम्र से ज़्यादा के बच्चों को सांस की नली की सूजन को भी यह औषधि ठीक करती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर नेट्रम आर्सेनिकम औषधि का उपयोग, जैसे मन से संबंधित लक्षण। रोगी किसी भी काम को सोचने विचारने के लिए अपने दिमाग को एक जगह नहीं लगा सकता। रोगी की याददाश्त बिल्कुल कमजोर हो जाती है, वह हर बात को थोड़ी ही देर में भूल जाता है। रोगी को किसी भी काम को करने के लिए कहा जाए तो उसे करने से मना कर देता है। रोगी हर समय लेटा ही रहता है। इस तरह के लक्षणों से के रोगी को नेट्रम आर्सेनिकम औषधि का सेवन कराना काफ़ी लाभदायक साबित होता है। सिर से संबंधित लक्षण। रोगी के सिर में बहुत तेजी से होने वाला दर्द। सिर को बहुत तेजी से घुमाने से रोगी को ऐसा लगता है कि जैसे कि वह पानी के अंदर तैर रहा हो। माथे में और नाक की जड़ पर होने वाला दर्द, नेत्र कोटरों के ऊपर दर्द का होना आदि लक्षणों में रोगी को नेट्रम आर्सेनिकम औषधि देने से लाभ होता है। नाक से संबंधित लक्षण। रोगी की नाक से होने वाला स्राव जो रोगी को गले के अंदर तक पहुंच जाता है। रोगी को रात के समय मुंह खोलकर सोना पड़ता है। नाक की जड़ पर दर्द सा महसूस होना, नाक के अंदर पपड़ी सी जम जाना। रोगी के नाक से सूंघने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। नाक के पिछले छेदों से गाढ़ा पीला स्राव सा टपकता रहता है। नाक के अंदर की सूखी पपड़ी जिसे उतारने पर स्लैसिक झिल्ली कच्ची पड़ जाती है। रोगी को नाक के रोगों के लक्षण सुबह के समय और ज़्यादा तेज हो जाता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को नेट्रम आर्सेनिकम औषधि का सेवन कराना बहुत ही लाभकारी माना गया है। चेहरे से संबंधित लक्षण। रोगी के चेहरे पर सूजन का आना। रोगी के गाल की हड्डियां ऐसा महसूस होती है जैसे कि उनमें सूजन आ गई हो। रोगी को अपना चेहरा भड़बड़ाया सा लगता है, जैसे कि वह सूजकर बहुत मोटा हो गया हो। इस तरह के लक्षणों में रोगी को नेट्रम आर्सेनिकम औषधि का सेवन कराना लाभकारी होता है। सांस से संबंधित लक्षण। रोगी को इतनी तेज खांसी होती है कि रोगी का पूरा शरीर कांप उठता है और खांसी के साथ ही रोगी को बहुत ज़्यादा मात्रा में हरा हरा बलगम सा निकलता रहता है। रोगी को अपनी छाती, आवाज़ की नली और दिल के आसपास घुटन सी महसूस होती है। कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों को होने वाला दम्मा रोग। रोगी को अपने फेफड़ों में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि सारा धुआं फेफड़ों में ही घुस गया हो। इन सब लक्षणों में रोगी को अगर नेट्रम आर्सेनिकम औषधि दी जाए तो रोग कुछ ही दिन में ठीक हो जाता है। आंखों से संबंधित लक्षण। रोगी अगर किसी भी चीज़ को कुछ देर तक नजर जमा कर देख ले तो उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। रोगी की आंखों से कम दिखाई देने लगता है। रोगी की आंखों से हर चीज़ धुंधली दिखाई देने लगती है। रोगी जैसे ही तेज रोशनी में आता है तो उसकी आंखें में परेशानी पैदा हो जाती है। रोगी जैसे ही कुछ लिखने या पढ़ने बैठता है तो उसकी आंखें थकी सी हो जाती है और उसमें दर्द होने लगता है। रोगी की आंखों की पलकें पूरी तरह से खुल नहीं पाती रोगी की आंखों और पलकों के बीच का भाग सूज जाता है। खुली हवा में जाने पर रोगी की आंखों में से पानी आने लगता है। सुबह के समय जब रोगी उठता है तो उसकी आंखों में कीचड़ जमा होता है जिसके कारण उसकी आंखें पूरी तरह से खुल नहीं पाती।
इन लक्षणों में रोगी को नेत्र मार्सनिकम औषधि का प्रयोग कराना काफी लाभदायक माना गया है। आमाशय संबंधित लक्षण, रोगी को अपना आमाशय भारी सा महसूस होता है। रोगी के आमाशय और नाभि के बीच के भाग में खिंचाव के साथ दर्द होना। रोगी को अगर रात के समय हल्का भोजन भी करता है तो जो उसको अपना आमाशय भारी भारी सा लगता है। गर्म भोजन खाने से रोगी को आमाशय में जलन सी महसूस होती है। गर्म भोजन से जलन महसूस होती है। रोगी को काई के साथ खट्टी खट्टी डकारें आती रहती है। रोगी को बहुत तेज प्यास लगती है। प्यास बहुत तेज लगती है। इस प्रकार के लक्षणों में रोगी को नेट्रम आर्सेनिक का मौजूद देने से लाभ मिलता है। मुंह से संबंधित लक्षण, रोगी के मुंह के किनारे फट जाने के कारण कुछ मोटे मोटे से या बढ़े हुए लगते हैं। रोगी जैसे ही भोजन करते समय भोजन को चबाता है तो उसके जबड़ों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। भोजन चबाने में जबड़े में दर्द होता है। रोगी के जीभ पर पीली सी परत छा जाती है और जीभ के अंदर का भाग बिल्कुल लाल हो जाता है और फटाफटा नजर आता है। रोगी की जीभ लंबी मोटी और कटी फटी से नजर आती है। इस इन सब लक्षणों के आधार पर अगर रोगी को नेत्र मार्सनिकम औषधि दी जाए तो वह काफ़ी उपयोगी साबित होता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण, रोगी की बाहों में दर्द जो कंधों से ज़्यादा होता है। टांग की आगे की नाड़ियों में होने वाला दर्द, टांग की आगे की नाड़ियों में होने वाला दर्द, रोगी के शरीर के जोड़ों का अकड़ जाना। रोगी को अपना पूरा शरीर थका थका सा महसूस होना। रोगी के घुटने के जोड़ों में कड़कड़ाहट महसूस होती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को नेट्रम आर्सेनिक का मौजूद देने से काफ़ी लाभ मिलता है। वृद्धि, रोगी जब सुबह के समय उठता है या भोजन कर लेता है उसका रोग बढ़ जाता है। शमन, खुली हवा में घूमने से रोग कम हो जाता है। तुलना, नेट्रम आर्सेनिक का मौजूदगी की तुलना आरसे, कैलिकर और एपी से की जा सकती है। मात्रा, रोगी को नेट्रम आर्सेनिक का मौजूदगी 3x शक्ति से 30 शक्ति तक देने से काफ़ी लाभ मिलता है। हम अपने अगले वीडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।